भारतीय नौसेना के, मतलब उल्टा आज हम लोग खेलेंगे, 45 से 1 की तरफ जाएंगे, ठीक है ना। खुश रहो भैया, नितेश गौतम, वर्षा राजपूत, खेलना शुरू करो। तो अभी शुरू के 5 क्वेश्चन एक्सरसाइज टाइप के। तो भारतीय सेना के नौसेना अध्यक्ष के पद को क्या कहते हैं? एडमिरल कहते हैं। भारतीय सेना के नौसेना अध्यक्ष पद को हम लोग क्या कहते हैं? तो हम लोग उनको कहते हैं एडमिरल, ठीक है ना, एडमिरल कहते हैं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, सौर प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? बताइएगा, सौर प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? तो सर, यदि हम लोग सौर प्रणाली के आविष्कार का देखें तो सौर प्रणाली का आविष्कार कॉपर निकस ने किया था। 5 से 7 क्वेश्चन एक्सरसाइज है, खेल तो शुरू होगा 10वें क्वेश्चन से, ठीक है ना। ये सिर्फ एक्सरसाइज क्वेश्चन है, थोड़ा वर्जिश कर लो, देखते हैं। भारत का सबसे लंबा समुद्र तट कहां है? सर वही मैरीना बीच वाला, सर वही तमिलनाडु वाला, वही सर सोर मंदिर वाला, क्योंकि आंसर सही है चेन्नई, ठीक है ना, आंसर सही है चेन्नई। चेन्नई से थोड़ा ही आगे बेटा क्या पड़ता है? महाबलीपुरम, ठीक है ना, महाबलीपुरम। और इसी महाबलीपुरम में जो अक्सर आपके एग्जाम में पूछता है जीडी में, सोर मंदिर, ठीक है ना, सोर मंदिर कहां है? समुद्र के तट के किनारे, यहीं पे है। अगर आपसे कभी पूछे रथ मंदिर कहां है, तो रथ मंदिर कहां है? यहीं पे है। निम्न में से कौन सा ग्रह पूर्व से पश्चिम दिशा में दक्षिणावत सूर्य भ्रमण करता है? अभी आसान है, इनको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। अरे हाँ यार, आज तो गुरु पूर्णिमा है ना, तो मेरा दिल से दुआ है कि तुम सब एक बार गवर्नमेंट जॉब बहुत जल्द अपनी लाइफ में पा जाओ, अगले जन्म में फिर पाओ गवर्नमेंट जॉब, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या है? यूरेनस या फिर अरुण, ठीक है ना, या फिर अरुण। नेक्स्ट, ग्रीनविच इसके बगल में स्थित है, ऐसा लग रहा है जैसे पड़ोसी पड़ोस में स्थित हो, मोहल्ले में स्थित हो। तो ग्रीनविच कहां स्थित है भैया? लंदन में। ग्रीनविच कहां स्थित है? लंदन में। अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है वर्जिस, ठीक है ना। नेक्स्ट, भारत और रोमन साम्राज्य के बीच के व्यापार की अमूल्य जानकारी किस किताब में मिलती है? स्क्रीन शॉट लेकर रख लो, क्योंकि अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है प्रैक्टिस क्वेश्चन, अब आएंगे मेन क्वेश्चंस की तरफ। इसका आंसर है बेटा शिल्पादिकारम, इसका आंसर है शिल्पादिकारम। ये टफ क्वेश्चन थोड़ा सा है, इसका स्क्रीनशॉट लो। नेक्स्ट, 1873 में बंकिम चंद चटर्जी द्वारा स्थापित और संपादित की गई बंगाली मासिक पत्रिका का नाम क्या है? यहां से हम लोग शुरू करते हैं। अच्छा, सोम प्रकाश का भी बता दीजिए, सोम प्रकाश किसने छापा था, और उस बंगाली मासिक पत्रिका का नाम है बंग दर्शन। आप लोग को दिख रहा है कि नहीं ये, ठीक है ना, बंग दर्शन। सोम प्रकाश किसने लाया था? एक क्वेश्चन, ये एक क्वेश्चन आपसे अक्सर पूछता है, बंगाल की जगह जरा गजट कर दो, तो बंगाल गजट, ठीक है ना, एक ये क्वेश्चन बताना, बंगाल गजट को किसने संपादित किया। और एक आपसे क्वेश्चन अक्सर पूछ देता है कि बंगाल गजट के अलावा, हाँ बंगाल गजट, सोम प्रकाश, और एक आपसे पूछता है अमृत बाजार पत्रिका, इन तीनों के राइटर बताना। अमृत बाजार पत्रिका, ये जीडी के फेवरेट हैं। सर यदि हम लोग बंगाल गजट की बात कर दे तो जेम्स ऑगस्टस हिक्की, ठीक है ना, जेम्स ऑगस्टस हिक्की, इसका आंसर क्या हो जाएगा? जेम्स ऑगस्टस हिक्की हो जाएगा। सोम प्रकाश की बात कर दें तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर इसकी खोज लिखे थे इसको। यदि हम लोग अमृत बाजार पत्रिका की बात कर दें तो शिशिर कुमार घोष, ठीक है ना, शिशिर कुमार घोष ने किया था, याद रहेगा सभी को, शिशिर कुमार घोष। आज का सेशन बहुत शानदार होगा। पिट्स इंडिया एक्ट 1884 के अनुसार कंपनी के नागरिक, सैनिक और राजस्व मामलों को एक बोर्ड के द्वारा गवर्न करना था, एक बोर्ड के द्वारा। कौन कौन मैटर? सैनिक, राजस्व और नागरिक मैटर। तो उसको हम कहेंगे क्या? सर वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था, जबकि बेटा बोर्ड ऑफ कंट्रोलर क्या थे? बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जो युद्धों को देखते थे, लेकिन नागरिक मैटर, राजस्व मैटर जो देखते थे वो तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही थे ना। नेक्स्ट, सेनगुट्टवन इनका अति प्रभाव प्रबलशाली राजा था। यह क्वेश्चन आपके CHSL का रहा है, GD का रहा है, दोनों में पूछा हुआ है। सेन गुट्टवन इसका प्रभावशाली राजा था। आपको बता दें सेन गुट्टवन चेर वंश का प्रभावशाली राजा था। इसी तरीके का आपसे क्वेश्चन पूछता है,
पुष्यमित्र सुंग, जो मैंने देखा कि पुष्यमित्र किस वंश का प्रभावशाली राजा है। एक क्वेश्चन आपसे पूछता है कोलतुंग प्रथम, ठीक है ना, कोलतुंग प्रथम किस वंश का प्रभावी राजा है। एक क्वेश्चन आपसे पूछता है पुलकेसिन द्वितीय, पुलकेसिन, ठीक है ना, पुलकेसिन द्वितीय किस वंश का प्रभावी राजा है। तीनों के कमेंट आंसर करके बताइएगा, जुड़िए जरा और बताइएगा, पुष्यमित्र, कोलुंग कोलतुंग प्रथम और पुलकेसिन, ये किस वंश से थे, ठीक है ना। तो सर यदि हम लोग पुलकेसिन की बात करें तो सर पुष्यमित्र तो सुंग वंश का हुआ करता था, बल्कि ये तो फाउंडर था, ठीक है ना। यदि कोलतुंग की बात करें सर तो ये चोल वंश से हुआ करता था, और यदि पुलकेसिन की बात कर दें तो चालुक्य वंश से हुआ करता था। ये वही है ना जिसने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर हराया था। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भारत का अत्यधिक बड़ा द्वीप है, बताइए। इनमें से चार ऑप्शन है आपके पास, सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, सबसे बड़ा द्वीप आपसे पूछ रहा है, ठीक है ना, जरा याद रखिएगा। सबसे बड़ा द्वीप है सर अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बेटा जरूर याद रखना, ओंग जनजाति पाई जाती है, जारवा जनजाति पाई जाती है, सोमपैन जनजाति पाई जाती है, सोमपैन, ठीक है ना, और उसके अलावा टेलीज नाम की जनजाति पाई जाती है। कभी भी आपसे पूछ सकता है कि ओंग जारवा और सेंटलीज ये जनजातियां कहां पाई जाती हैं, सब आपके अंडमान निकोबार में पाई जाती है। यहां की राजधानी क्या है, जल्दी से कमेंट करके लिख दो कि यहां की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। क्या कोई स्टूडेंट बता सकता है कि अंडमान निकोबार में कुल कितने द्वीप समूह हैं, टोटल की बात कर रहा हूं, भारत सरकार के आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार अंडमान निकोबार में कुल कितने द्वीप समूह हैं और कितने रहने योग्य हैं। दो अलग अलग बातें हैं, जरा समझना, अंडमान निकोबार में कुल कितने द्वीप समूह हैं और कितने रहने योग्य हैं। तो मैं आपको बताऊं, यदि हम लोग कुल द्वीप समूह की बात करें तो कुल है 572, लेकिन रहने योग्य कितने हैं, 38 द्वीप, ठीक है ना, मात्र 38 द्वीप अंडमान निकोबार में रहने योग्य हैं और कुल है 572। गर्मी के दिनों में हमें पंखे के पास बैठने से आराम महसूस होता है, क्योंकि भैया क्योंकि जो पंखा है, फैन हेल्प्स इन रैपिड इवापोरेशन ऑफ स्वीट, फैन क्या करता है, वाष्पीकरण में हमारी सहायता करता है। नेक्स्ट, नेप्थलीन और रेती, मतलब वो सैंड है यार, रेती मतलब सैंड, और नेप्थलीन मिश्रण को इसमें अलग किया जाता है, किस मिश्र के द्वारा हम उसको अलग करते हैं, तो इसका आंसर है सेंडिमेंटेशन, ठीक है ना, सेंडिमेंटेशन। नेक्स्ट, रक्त स्राव को रोकने वाला लौह लवण कौन सा है, रक्त स्राव को, इसी तरीके से अगर आपसे पूछ दे रक्त दाब को हम किस डिवाइस से मापते हैं, ठीक है ना, और ब्लड पार्टिकल, ब्लड पार्टिकल को हम किस डिवाइस से, पार्टिकल, ब्लड पार्टिकल को हम किस डिवाइस से काउंट करते हैं, ब्लड पार्टिकल आर काउंट बाय, ब्लड प्रेशर आर मेजर्ड बाय, ये दो क्वेश्चन। तो सर अगर रक्त स्राव को रोकने वाले लौह की बात करें तो रक्त स्राव को रोकने वाला लौह है फेरिक ऑक्साइड। ब्लड प्रेशर को हम लोग स्फिग्मोमैनोमीटर से रोकते हैं, किससे मापते हैं, स्फिग्मोमैनोमीटर। और सर अगर ब्लड पार्टिकल काउंट की बात करें कि ब्लड पार्टिकल काउंट किससे होता है, तो उसे हम लोग कहते हैं हीमोसाइटोमीटर। क्या कहते हैं, हीमोसाइटोमीटर, और ब्लड प्रेशर के लिए स्फिग्मोमैनोमीटर। याद रखना कुछ छोटी बातें, जैसे आरबीसी को बेटा हम लोग क्या कहते हैं, आरबीसी को सर हम लोग एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, एरिथ्रो, ठीक है ना, एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, ठीक है ना, अब वहां गलत लिख गया हिंदी में तो उसको इग्नोर कर देना, एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। नेक्स्ट, मगध के शासक बिंबिसार किस राजवंश से संबंधित थे, बिंबिसार किस राजवंश से संबंधित थे, तो सर बिंबिसार हर्यक वंश से संबंधित थे। यही बिंबिसार थे सर जो मगध में हर्यक वंश के क्या थे, फाउंडर थे। बिंबिसार के अलावा इस वंश का फेमस राजा कौन हुआ सर, अजात शत्रु हुआ, ठीक है ना, अजात शत्रु जिसने अपने पिता की ही हत्या की। अजात शत्रु के सर बाद इस वंश का फेमस राजा हुआ उदाइन। अजात शत्रु को सर हम लोग कुड़िक नाम से भी जानते हैं, अजात शत्रु को कुड़िक नाम से, और अजात शत्रु को सर हम लोग पितृहंता के नाम से भी जानते हैं। वहीं अगर बिंबिसार का नाम पूछ दे कोई भी स्टूडेंट, जितने लोग हो कोई बता सकता है कि बिंबिसार को हम लोग किस उपनाम से जानते हैं,
बताइए जरा बिंबिसार को हम लोग किस उपनाम से जानते हैं? तो बिंबिसार को हम लोग किस उपनाम से जानते हैं? श्रोणिक, ठीक है ना, बिंबिसार को श्रोणिक उपनाम से जानते हैं, जबकि अजात शत्रु को कुड़िक उपनाम से जानते हैं। उदयन, उदयन ये वही है बेटा, याद रखना, जिसने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। नेक्स्ट, निम्न में से किस मूल तत्व की परमाणुवी संख्या और परमाणुवी भार, मतलब एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट, संख्या और भार एक समान है? तो सर हाइड्रोजन 1H1 नहीं होता है। आप देखिए यहां पे डी ऑप्शन, हाइड्रोजन को हम लोग 1H1 भी तो लिख लेते हैं ना, 1H1, 1H2, 1H3, ड्यूटेरियम, टाइटेरियम, तो परमाणु क्रमांक और परमाणु भार दोनों समान है। यहां पर आपसे पूछता है नाइट्रोजन की खोज किसने की, हाइड्रोजन की खोज किसने की, उसके अलावा सोडियम की खोज किसने की, ठीक है ना, सोडियम की खोज किसने की, अगर आप बता सकें तो बताइए जरा, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और सोडियम, इनकी खोज किसने की है? सिंपल सा आपसे क्वेश्चन करता है, अगर बता सके तो बताइएगा, ठीक है ना। तो सर और नाइट्रोजन का भी, हां तो सर यदि हम लोग सोडियम की बात करें तो सोडियम की खोज डेवी नाम के साइंटिस्ट ने की थी। किसने की थी? डेवी नाम के साइंटिस्ट ने की थी। यदि सर हम लोग नाइट्रोजन की बात करें और हाइड्रोजन की, पहले आपके कमेंट देखना चाह, अरे ऑक्सीजन की खोज प्रिस्टले ने की थी, समझे दोस्त, दीपक सिंह ढिल्लो, ऑक्सीजन की खोज प्रिस्टले ने की थी। नाइट्रोजन की खोज की यदि हम लोग बात कर देंगे तो नाइट्रोजन की खोज डेनियल रदरफोर्ड, ठीक है ना, डेनियल रदरफोर्ड, यहां पे मैं रदरफोर्ड ऐसे लिख दे रहा हूं, ठीक है, डेनियल रदरफोर्ड ने की थी। और अगर हाइड्रोजन की बात कर दोगे तो हेनरी कैवेंडिस, इसकी खोज किसने की थी? हेनरी कैवेंडिस, ठीक है ना, हेनरी कैवेंडिस ने की थी। और निश्चित इनके खोजकर्ता पूछता है, ठीक है ना, निश्चित पूछता है। नेक्स्ट, फॉस्जीन का रासायनिक नाम क्या है? और मैं यहां पे बताऊं, जीडी के मैं आपको तीन बार के दोहराए गए तीन आपसे पूछने जा रहा हूं, उन तीनों का आपको रासायनिक नाम यदि आप बता सको तो बताना। जैसे एक आपसे मैं पूछ रहा हूं कि ब्लू विट्रियोल को क्या कहा जाता है, साफ साफ ऐसे ही लिखा हुआ था बेटा, ब्लू विट्रियोल, ठीक है ना, विट्रियोल को किस नाम से जाना, RIOL होगा ना, RIOL, ठीक है ना, ब्लू विट्रियोल को किस नाम से जानते हैं, ये एक आपको बताना है। एक आपको बताना है कॉलमेल, केलोमल को हम किस नाम से जानते हैं, केलोमल, ठीक है ना, केलोमल को हम किस नाम से जानते हैं, या फिर CALOMEL, ठीक है ना, CALOMEL, केलोमल को हम किस नाम से जानते हैं, याद नहीं आ रहा होगा ना, तो स्क्रीन पे देख लेना, लेकिन छोड़ के पीछे मत हटना, इन दो को बताइएगा। सर वैसे फॉस्जीन का रासायनिक नाम क्या है? तो कार्बोनिल क्लोराइड। यदि सर ब्लू विट्रियोल की बात कर देगा तो ब्लू विट्रियोल हम लोग किसको कहते हैं, कॉपर सल्फेट को कहते हैं, स्क्रीन शॉट ले करके रख लो, ब्लू विट्रियोल किसको कहते हैं, तो कॉपर सल्फेट को कहते हैं। सर यदि कॉलमेल कई बार पूछता है बेटा, केलोमल भी इसको कई जगह लिखा हुआ आपको मिल जाएगा, केलोमल, ठीक है ना, या कॉलमेल, इसका केमिकल नेम क्या है, तो याद रखिएगा मर्क्यूरस क्लोराइड, कहां पे लिख दूं, यहां पे लिख दे रहा हूं, मर्क्यूरस, ठीक है ना, मर्क्यूरस क्लोराइड, इसको हम क्या कहते हैं, मर्क्यूरस क्लोराइड कहते हैं। ये दोनों जीडी के पूछे गए, केलोमल को मर्क्यूरस क्लोराइड, ब्लू विट्रियोल को कॉपर सल्फेट। और एक और आपसे पूछ सकता हूं, चिली सॉल्ट पीटर को क्या कहा जाता है, यदि जो कि सोडियम का अयस्क है, चिली सॉल्ट पीटर, बताइए सोडियम के अयस्क चिली सॉल्ट पीटर का केमिकल नेम क्या है। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पेपर में आते हैं और फिर लगता है कि अरे बाप रे बाप, कितनी बड़ी गलती कर गए। चिली सॉल्ट पीटर हम लोग कहते हैं बेटा सोडियम नाइट्रेट को, किसको कहते हैं, सोडियम नाइट्रेट, ठीक है ना, सोडियम नाइट्रेट को हम लोग चिली सॉल्ट पीटर कहते हैं। एक बड़ा फेमस आपसे पूछता है, क्लोरोफॉर्म का नाम सुने हो, क्लोरोफॉर्म का आपसे केमिकल नेम पूछता है, जरा बताइएगा। तो क्लोरोफॉर्म, ठीक है ना, क्लोरोफॉर्म का केमिकल नेम क्या है, कोई भी स्टूडेंट, इतने स्टूडेंट देख रहे हो, जो बता दे क्लोरोफॉर्म का केमिकल नेम क्या है। भैया क्लोरोफॉर्म का केमिकल नेम होता है ट्राईक्लोरोमीथेन, ठीक है ना, क्या होता है सर, ट्राईक्लोरोमीथेन, ठीक है ना, ट्राईक्लोरोमीथेन, ये है बेटा क्लोरोफॉर्म का नेम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1853 में कावस जी नाना भाई ने मुंबई में पहली शुरुआत की, किसकी, बताइएगा 1853 में। देखो दोस्त, जब लग के पढ़ोगे तभी मजा आएगा, बताओ
18 भाई किसकी शुरुआत की थी याद रखना, कपड़ा की। ये मुंबई, मुंबई से कई क्वेश्चन आते रहते हैं। मुंबई को बेटा जीडी में पूछा है क्या क्या कहा जाता है, याद रखना इसको सपनों का शहर कहा जा सकता है। क्या आप बता सकते हो मुंबई किस द्वीप पर बसा है, मुंबई किस द्वीप पर बसा है, उसके मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया इसका निर्माण कब हुआ, गेटवे ऑफ इंडिया, ठीक है ना, गेटवे ऑफ इंडिया इसका निर्माण कब हुआ। उसके अलावा मुंबई को किसने दहेज में दिया था, ऐसा भी एक क्वेश्चन आता है कि अंग्रेजों को मुंबई किनसे दहेज के रूप में प्राप्त हुआ था। तो याद रखना मुंबई प्राप्त हुआ था अंग्रेजों को दहेज से, पुर्तगाल, ठीक है ना। ये जो पुर्तगाली लोग थे इन्होंने टू अंग्रेज, ठीक है ना, पुर्तगाली लोगों ने अंग्रेज को दिया था। सपनों का शहर कहते हैं गेटवे ऑफ इंडिया, ठीक है ना। यदि बेटा हम लोग मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया की बात करें कि सर गेटवे ऑफ इंडिया, तो याद रखना कि 1913 में बनना शुरू हुआ था और 1924 में बन करके रेडी हो गया था। मुंबई किस द्वीप पर बसा है, तो सर सॉल्सेट द्वीप पर बसा है मुंबई। किस द्वीप पर बसा है, तो सॉल्सेट द्वीप पर बसा हुआ है आपके मुंबई। उसके अलावा एक मैं यहां पे जबरदस्त क्वेश्चन आपसे पूछता हूं। आप लोग द जंगल बुक किताब का नाम सुने हो, जीडी में पूछा हुआ है द जंगल बुक के राइटर कौन है। अब जरा समझना, मैं इसलिए इस समय क्वेश्चन पूछ दे रहा हूं क्योंकि उनका जन्म, जंगल बुक के राइटर का जन्म मुंबई में हुआ था, वो दिमाग में क्लिक कर गया, तो आपसे मैं पूछ दे रहा हूं कि द जंगल बुक के राइटर का नाम क्या है जिनका जन्म मुंबई में हुआ था। याद रखना बेटा जंगल बुक के राइटर का नाम है रुडयार्ड कीपलिंग, ठीक है ना, रुडयार्ड कीपलिंग। इनका जन्म जो है मेरे भाई वो कहां हुआ था, मुंबई में हुआ था। रुडयार्ड कीपलिंग का जन्म मुंबई। नेक्स्ट, सामूगढ़ के युद्ध में औरंगजेब ने किसको हराया। अब मैं एक बात आपको बता दूं, सामूगढ़ के युद्ध की बात कर बताइएगा, क्या दोनों फेमस नाम आप बता पाएंगे, मैं आपको बताता हूं। दारा सिकोह को मेरे भाई लघु अकबर भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, लघु अकबर भी कहा जाता है। दारा सिकोह को भाई शाह बुलंद इकबाल भी कहा जाता है, शाह बुलंद इकबाल, ठीक है ना, दारा सिकोह को शाह बुलंद इकबाल भी, या इंग्लिश में कहें तो किंग ऑफ लॉफ्टी फॉर्चून भी कहा जाता है, किंग ऑफ लॉफ्टी फॉर्चून कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचे, आइए, ठीक है। तो ये सब शाह सुजा मुराद ये सब भी औरंगजेब के भाई ही थे, ठीक है। आधुनिक समय मापन पद्धति इस धारणा पर आधारित है। आजकल हम लोग जो मापन पद्धति करते हैं वो स्टार डे, नक्षत्र दिवस। लोग नहीं कहते यार तुम्हारा ग्रह नक्षत्र खराब है, तो ग्रह नक्षत्र आजकल यही चल रहा है ना। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है। एक बार लाइक करो, मैं जितने बोर्ड पे लिख दूंगा वो सब आपके एग्जाम के लिए रासायनिक और भौतिक परिवर्तन, जीडी का, एसएससी का पूरा क्वेश्चन एक जगह। मुझे बस आप एक बार टाइम दे दीजिए, ठीक है ना। जैसे मैं यहां पे रासायनिक परिवर्तन जो जो एग्जाम में आया है वो सब यहां पे लिख दे रहा हूं। रासायनिक परिवर्तन में यदि हम लोग बात करें बेटा, तो रासायनिक परिवर्तन में जंग लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन, ये एग्जाम में खूब पूछता है कि ये कौन सा परिवर्तन है। लकड़ी का जलना, ठीक है ना, लकड़ी जलना, ये भी बेटा एक रासायनिक परिवर्तन है। उसके अलावा आप लोग घरों में केक बनाते हो ना, धड़ाधड़ लोग केक खाते हैं, जो आप केक बनाते हो मेरे भाई, केक बनाना, ये भी क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। आप लोग जो घरों में अंडा पकाते हैं, ऑमलेट वगैरह खाते हैं, अंडा पकाना, यह भी एक रासायनिक परिवर्तन है। और भोजन बनाना, ठीक है ना, भोजन पचाना, ठीक है ना, भोजन पचना, यह भी एक रासायनिक परिवर्तन है। ये इतने हैं जो आपको एग्जाम में जरूर और जरूर पूछता है, ठीक है। अब अगर ये सब पसंद आ रहा है मेरे भाई, एक बार लाइक करो, और मैं आपको गारंटी देता हूं कि अब फिजिकल वाले जो भौतिक परिवर्तन है मैं वो आपको बताऊंगा, उनकी लिस्ट का स्क्रीनशॉट रख लेना, ठीक है ना, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो। अच्छा चलो यहां पे लिख देता हूं, फिजिकल या फिर बेटा भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन जो एग्जाम में पूछा है मैं वो आपको अब बता दे रहा हूं। जैसे भौतिक परिवर्तन की बात करें तो एक आपसे पूछता है पानी उबालना, ठीक है,
है ना, पानी उबालना कौन सा परिवर्तन है सर? भौतिक परिवर्तन है। बर्फ का पिघलना, ठीक है ना, बर्फ पिघलना यह कौन सा परिवर्तन है? तो सर यह भी भौतिक परिवर्तन है। बर्फ पिघलने के अलावा शीशा तोड़ना, ठीक है ना, ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, शीशा तोड़ना या टूटा हुआ जो शीशा होता है, या तोड़ना से मेरा मतलब है टूटे हुए शीशे से, वो भी भौतिक परिवर्तन है। और तेल और पानी मिक्स, ठीक है ना, तेल और पानी को मिक्स करना, यह भी भौतिक परिवर्तन है। मैं जानबूझ करके इन्हीं इतने को क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि यही एग्जाम में पूछा है, ठीक है ना, यही एग्जाम में पूछा है, ठीक है ना। तो ये चीजें याद रखना, रासायनिक परिवर्तन कौन सा नहीं है, तो पानी का विद्युत अपघटन, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज नॉट अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है ना, बाकी सब केमिकल रिएक्शन है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा धातु नहीं है? अरे सर सीधा तो दिख रहा है कि हीलियम धातु नहीं है। अब हीलियम हुआ हाइड्रोजन, हीलियम हुआ, आर्गन हुआ, क्रिप्टॉन हुआ, ज़ेनॉन हुआ, रेडॉन हुआ, ये सब क्या है सर? ये सभी की सभी अक्रिय गैस हैं, ये सभी की सभी अक्रिय गैस हैं, जिनको हम लोग इनर्ट गैस या फिर हम लोग नोबल गैस की भी संज्ञा देते हैं, जो शून्य समूह में आते हैं। किस ग्रुप में आते हैं? शून्य समूह में आते हैं, ये बात आपको याद रखना होगा, ठीक है ना, जो सब के सब शून्य नगरी में आते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, हीरा चमकीला दिखाई पड़ता है। जब भी बेटा हीरा का क्वेश्चन आया है तो मैंने ये नोटिस किया है कि हीरा से आपसे ये पूछता है कि हीरा चमकीला क्यों दिखाई पड़ता है, ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल, इस टीआईआर की वजह से, संपूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से क्या होता है, याद रखिएगा, हीरा का चमकना, मिराज का बनना, या जिसे आप कहते हो मृग मरीचिका, ठीक है ना, या जिसे आप कहते हो मृग मरीचिका का बनना, वह भी किसके अंतर्गत आता है? वह भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का ही एग्जाम्पल होता है, ठीक है ना, बिल्कुल वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का एग्जाम्पल होता है। और यार एक रिक्वेस्ट आपसे रहेगा, थोड़ा शेयर कर दो यार, अगर आप थोड़ा शेयर करेंगे ना तो बड़ी मदद मिलेगी सिर्फ आप स्टूडेंट्स के लिए। आपको पता है कि मैं दो दिन पहले घर था, मैं फिर से एक बार दिल्ली स्टूडियो आ गया, ठीक है ना, तो थोड़ा तो यार शेयर करिए, ठीक है, थोड़ा सा शेयर करिए। तो ये याद रखिए, हीरा का चमकीला होना। अच्छा, यहाँ पे कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिनसे एक क्वेश्चन, चूंकि यहीं पे पूछ लूँ तो अच्छा है, मानव निर्मित, ध्यान से सुनना, मानव निर्मित पहला तत्व यदि कोई भी बता दे, ये ऐसा क्वेश्चन है जो जीडी के पेपर में बेटा 5 बार का पूछा गया है, 5 बार पूछा गया है मानव निर्मित पहला तत्व। कोई भी स्टूडेंट जो कमेंट बॉक्स में जाके बता दे कि मानव निर्मित पहला तत्व कौन सा है, आंसर करिए, धड़ल्ले से उड़ाओ यार, ये सब क्वेश्चन मजबूत हैं, अच्छे हैं। मानव निर्मित पहला तत्व माना जाता है पोलोनियम, ठीक है ना, मानव निर्मित पहला तत्व माना जाता है पोलोनियम। कई लोगों को नहीं पता रहा होगा ट्रीटी केल, ये क्या है, ठीक है ना, यूरिया, यूरिया कोई तत्व थोड़ी है अनिल कुमार नायक, ठीक है ना, चलिए पोलोनियम है मानव निर्मित पहला तत्व। सम्राट राज राजा द्वारा बनाया गया तंजावुर का सुंदर मंदिर किस देवता को समर्पित है? सम्राट राज राज द्वारा बनाया गया सर, वो शिव को समर्पित है। शिव का ही जिक्र हमें ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम के रूप में मिलता है, ठीक है ना, शिव का ही जिक्र ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम के रूप में मिलता है। नेक्स्ट, 1929 में लाहौर षड्यंत्र मामले में निम्न में से किन दो आदमियों का नाम सामने आया? मैं आपको यहां एक चीज और बता दूं, कुछ ऐसे नाम हैं जिनसे रिलेटेड केस पूछता है, राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है ना, पूछेगा राम प्रसाद बिस्मिल का संबंध किस केस से है, एक आपसे ये पूछता है। एक बेटा पूछेगा प्रफुल्ल चाकी, ठीक है ना, प्रफुल्ल चाकी का संबंध किस केस से है, एक आपसे पूछेगा अरविंदो घोष का संबंध, अरविंदो घोष, ठीक है ना, अरविंदो घोष का संबंध किस केस से है, और एक रामप्रसाद बिस्मिल, अरविंदो घोष, अशफाक उल्ला खां, ठीक है ना, अशफाक उल्ला खां, इनका संबंध किस केस से है, तो जरा बताइएगा सर। पहले तो लाहौर षड्यंत्र केस, इसमें नाम था महान भगत सिंह जी और जतिन दास जी का, ठीक है ना, उसके अलावा अशफाक उल्ला खां, एक बार कमेंट में जाके सब लोग आंसर तो करो कि अशफाक उल्ला खां और रामप्रसाद बिस्मिल से संबंधित कौन सी क्रांतिकारी घटना है, तो सर काकोरी कांड इनसे संबंधित है, काकोरी कांड, ठीक है, इसमें अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहड़ी, रामप्रसाद बिस्मिल,
रोशन आरा इन लोगों को फांसी हुई थी और चंद्रशेखर आजाद भागने में कामयाब हुए थे। प्रफुल्ल चाकी का संबंध बेटा मुजफ्फरपुर बम कांड से है, ठीक है ना। मुजफ्फरपुर बम कांड, ये मुजफ्फरपुर बम कांड कौन सा है, 1908 वाला यार, जिसमें खुद ही राम बोस सबसे कम एज में इन्हीं के साथ फांसी पे चढ़े थे, इन्होंने स्वयं को गोली मार लिया था। अरविंदो घोष, इनका संबंध बेटा अलीपुर षड्यंत्र से है, किससे है, अलीपुर षड्यंत्र, ठीक है, अलीपुर कॉन्स्पिरेसी से संबंध है आपके अरविंदो घोष का, ठीक है ना। अरविंदो घोष का संबंध अलीपुर षड्यंत्र केस से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी, नाटो की स्थापना किस वर्ष हुई थी, जिस वर्ष मेरे दोस्त ये पेपर में आया उसी वर्ष पूछा था अलग अलग सेट में, इंटरपोल की स्थापना किस वर्ष हुई थी, एक इंटरपोल का पूछा था, एक पूछा था सार्क की स्थापना किस वर्ष हुई, एक पूछा था इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई, और एक पूछा था ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन इसकी स्थापना कब हुई थी, इनका भी पूछ चुका है, जरा बताइए इनका कब हुआ था। यार एक रिक्वेस्ट आपसे बार बार करूंगा कि भाई एक बार शेयर कर लो, ये जो आप लोग 400-500 चल रहे हो ना, यदि दम लगा के विश्वास करो दोस्त शेयर कर लोगे तो मजा आ जाएगा, ठीक है ना, मजा आ जाएगा दोस्त। अच्छा चलो, इसका राइट आंसर क्या है सर, इसका राइट आंसर है बेटा सी 1949। नाटो की जो स्थापना हुई थी 4 अप्रैल, ये कब हुई थी, तो सर 4 अप्रैल को हुई थी, 4 अप्रैल को हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहां पड़ता है सर, तो ब्रुसेल्स, ठीक है ना, इसका हेडक्वार्टर कहां पड़ता है, तो ब्रुसेल्स में पड़ता है। इंटरपोल, यदि हम लोग इंटरपोल की बात कर दें तो 1923 में हुई थी, यदि हम लोग सार्क की बात कर दें 1985 में हुई थी, यदि इंटरनेशनल लॉबर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की बात कर दें तो 1919 में हुई थी, ओपीसीडब्ल्यू ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन की बात कर दें तो 1997 में हुई थी। ओपीसीडब्ल्यू को शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिला है, ठीक है ना, शांति का नोबेल पुरस्कार ओपीसीडब्ल्यू को मिला है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश बंधु के नाम से किसे जाना जाता है, ठीक है ना, अब सिर्फ देश बंधु क्यों, जरा बताइएगा, देश प्रिय के नाम से किसे जाना जाता है, देश प्रिय के नाम से किसे जाना जाता है, दीन बंधु के नाम से किसे जाना जाता है, बंग बंधु के नाम से किसे जाना जाता है, यह भी क्वेश्चन रिलेटेड है भाई। एक तरीके का क्वेश्चन आए तो कई तरीके के क्वेश्चन दोहराइए, देश प्रिय, दीन बंधु, और एक क्वेश्चन और है, राजश्री के नाम से किसे जाना जाता है, राजश्री, जो आंसर करे भैया एकदम धुआंधार करिएगा, ठीक है ना सर। यदि हम लोग देश प्रिय, यही दो वाले फंसेंगे, ये दो तुम लोग बता ले जाओगे, और देश बंधु तो झट से कहोगे सर सी आर दास, जिन्होंने 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। जैसे ही मैं दीन बंधु कहा, आप कह दोगे सर सी एफ एंड्रयूज को मत भूलिए सर, वरना सत्यानाश हो जाएगा इस व्यक्ति का। और अगर आप कहेंगे बंग बंधु तो शेख मुजीबुर रहमान, शेख मुजीबुर रहमान को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, बंग बंधु कहते हैं। लेकिन जब मुद्दा आएगा देश प्रिय पे और राजश्री पे, तब आप कहेंगे कि सर राजश्री नहीं पता, तब मैं कहूंगा पुरुषोत्तम दास टंडन, ठीक है ना, पुरुषोत्तम दास टंडन को कहा जाता है आपके टंडन, ठीक है ना, पुरुषोत्तम दास टंडन। यदि देश प्रिय की बात की जाए, देश प्रिय की बात कर दी जाए, तो आप कहोगे कि देश प्रिय कहा जाता है यतीन्द्र मोहन सेन गुप्ता को, ठीक है ना, यतीन्द्र सेन गुप्ता मैं लिख दे रहा हूं, यतीन्द्र मोहन सेन गुप्ता, ठीक है ना, यतीन्द्र मोहन सेन गुप्ता को कहा जाता है, तो इसका सी ऑप्शन। नेक्स्ट, जैमिनी राय क्या थे, जैमिनी राय क्या है जरा बताइएगा, जैमिनी राय, अब मैं आपको बताता हूं भैया, यदि पसंद आ रहा हो ना तो एक बार लाइक वाइक ठोक दो यार, बड़ी एनर्जी लगती है आपके साथ, इस एनर्जी के साथ पढ़ाने में। जैमिनी राय, मैं आपको बताऊं, यहां पे एक क्वेश्चन बड़ा अच्छा आया था कि जैमिनी राय, वैसे तो ये एक प्रसिद्ध चित्रकार हैं, एक चित्रकार बड़े फेमस हैं भारत के, एमएफ हुसैन, एमएफ हुसैन ने एक बड़ी फेमस किताब लिखी हुई है, उस किताब का नाम अक्सर एसएससी पूछ देता है, उसके अलावा आपसे पूछ देता है दसवंत नाम का चित्रकार किसके दरबार में रहा करता था, दसवंत चित्रकार, सर दसवंत रहा करता था अकबर के दरबार में, और एमएफ हुसैन की
किताब का नाम क्या है? तो भैया याद रखेंगे संसद उपनिषद, ठीक है ना, संसद उपनिषद एमएफ हुसैन की किताब का नाम। नेक्स्ट, 2017 में किस देश में सबसे ज्यादा प्रदूषण से मौत हुई? थोड़ा सा पुराना क्वेश्चन है लेकिन चूंकि वो डेटा भारत से रिलेटेड है इसलिए याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना, भारत से रिलेटेड है तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालिदास थे भैया, कालिदास महान विद्वान थे, ठीक है ना। आपको मैं बताऊं, कालिदास ने एक किताब लिखी थी मालविकाग्नि मित्रम, मालविकाग्नि मित्रम। आपको आज बताना है मालविकाग्नि मित्रम के पात्रों का नाम क्या था, पात्रों का नाम, जो थोड़ा सा टफ है, भागना नहीं है, आंसर करना है। एक किताब इन्होंने लिखी थी विक्रमोवर्सियम, कौन सी किताब लिखी थी, विक्रमोवर्सियम। विक्रमोवर्सियम में हीरो हीरोइन, नायक और नायिका का नाम क्या था, यह आपको बताना है। एक किताब इन्होंने लिखी थी अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम, आपको यह बताना, शाकुंतलम, ठीक है ना, अभिज्ञान शाकुंतलम। इसमें नायक नायिका का नाम क्या था, जो स्टूडेंट आंसर कर दे ₹5 नगद हमसे ले ले स्टूडियो में आकर के, ठीक है ना। अब यार ₹5 है कि नहीं देख ले तो, कसम भवानी का ₹2 भी पड़ा हुआ है, खैर ₹3 उधार मांग के दूंगा यार, मेरे ही दोस्त देंगे लेकिन देंगे। चलो बताओ मालविकाग्नि मित्रम और आपके मालविकाग्नि मित्रम, देखो बेटा इसमें जिक्र मिलता है मालविका का और उनके बॉयफ्रेंड अग्निमित्र का। अब हम लोग आधुनिक युग के हैं तो बॉयफ्रेंड ही ना कहेंगे, अब जिसको जो समझना हो समझ ले, क्या कर सकते हैं। यदि बेटा हम लोग विक्रमोवर्सियम की बात करेंगे तो उर्वशी का जिक्र मिलता है और उनके बॉयफ्रेंड पुरुरवा का जिक्र मिलता है, पुरुरवा, ठीक है ना, उनके बॉयफ्रेंड पुरुरवा का जिक्र मिलता है। यदि आपके अभिज्ञान शाकुंतलम की बात करेंगे तो दुष्यंत, दुष्यंत का जिक्र मिलता है और उनकी गर्लफ्रेंड शकुंतला का जिक्र मिलता है। मजा आ गया इन लोग की गर्लफ्रेंड जान के ना। टोटल जो आपके कालिदास लिखते थे यही गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली बुक उनकी बहुत ज्यादा है, कसम से बता रहा हूं। हो सकता है लोग कहें कि क्या मास्टर पढ़ा रहा है, लेकिन क्या गलत पढ़ा रहा हूं भाई, लिखा तो उन्होंने यही है ना। हाँ, दो किताबें और अच्छी लिखी हैं, रघुवंशम लिखा है, मेघदूतम लिखा है, ऋतु संहार लिखा है, लेकिन साथ ही साथ ये भी लिखा है, ठीक है ना, इनकार नहीं किया जा सकता इस सच्चाई से। नेक्स्ट, आर के लक्ष्मण के रूप में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, आर के लक्ष्मण, एक आर के लक्ष्मण बेटा क्या हुआ करते थे, आर के लक्ष्मण भारत के बहुत बड़े कार्टूनिस्ट व्यक्ति हुआ करते थे, बहुत बड़े कार्टूनिस्ट का नाम है आर के लक्ष्मण। नेक्स्ट, रडार का आविष्कार किसने किया था, थोड़ा सा यार शेयर करके आगे बढ़ाइए, उसके बाद समझ में आएगा कि आज हम लोग क्या कर सकते हैं। रडार का आविष्कार, देखो दोस्त, रडार का आविष्कार के साथ साथ आपसे एक पूछता है डायोड बल्ब का आविष्कार, डायोड बल्ब का आविष्कार किसने किया था, डायोड बल्ब के साथ साथ आपसे ट्रायोड का भी पूछ देगा, ट्रायोड बल्ब का आविष्कार किसने किया था। मेरी क्लास का मतलब है कि कंप्लीट रिवीजन, डायोड बल्ब, ट्रायोड बल्ब, स्कूटर, ये घरों में खूब स्कूटर उपयोग होता है ना, स्कूटर का आविष्कार किसने किया, डायोड बल्ब, ट्रायोड बल्ब, रडार, स्कूटर और साथ ही साथ माइक्रोस्कोप, एक और यहां पे लिख देते हैं माइक्रोस्कोप, इसका आविष्कार किसने किया, माइक्रोस्कोप। चलिए माइक्रोस्कोप से ही शुरुआत करते हैं, यदि कोई बता दे माइक्रोस्कोप का आविष्कार बेटा जेड जॉनसन ने किया, जेड जॉनसन, ठीक है ना। स्कूटर का आविष्कार बेटा ब्राडसा ने किया, स्कूटर का आविष्कार ब्राडसा ने किया है। डायोड बल्ब की बात करें तो जे एस फ्लेमिंग ने किया है, किसने किया है, जे एस फ्लेमिंग ने किया है, जे एस फ्लेमिंग ने किया है। और यदि ट्रायोड बल्ब के आविष्कार की बात कर दें तो ली डी फॉरेस्ट ने किया है, किसने किया है, ली डी फॉरेस्ट, ठीक है ना, ली डी फॉरेस्ट ने किया है, याद रहेगा सभी को तो ये। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है रॉबर्ट वॉटसन वॉट, रडार का आविष्कार रॉबर्ट वॉटसन वॉट। हैम्फ्री डेवी ने किसका आविष्कार किया है, सर इन्होंने सोडियम का आविष्कार किया है, इन्होंने सोडियम का, ठीक है ना, ये चीजें। एटीएम का पुराना नाम, पूरा नाम क्या है बताइएगा, एटीएम का पूरा नाम क्या है, ठीक है। यहां पे तीन चीजें पूछता है, OMR का फुल फॉर्म पूछता है, उसके अलावा VDU, जब ये क्वेश्चन आया था सेम समय में बेटा GD के पेपर में, उसी समय में OMR, VDU और एक आपसे और पूछा था मॉडेम, हाँ एक ये पूछा था मॉडेम, मॉडेम का फुल फॉर्म क्या है, मॉडेम का।
तो सर एटीएम का ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन ओएमआर का आप बताइए, इसका तो होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ठीक है ना, वीडीयू का क्या होता है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर, हम लोग एमआर सीट पे ही पेपर देते हैं ना, तो ऑप्टिकल मार्क रीडर इसका आंसर होता है, मॉडम, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर मॉडम को कहते हैं, ठीक है ना। आज के एनटीपीसी के पेपर में ऐसे एक क्वेश्चन आया था कि बेंगलोर एक हाईटेक सिटी है, इसमें हाईटेक का फुल फॉर्म क्या है, और ये सब मैं 9:15 बजे, आज मेरी एक क्लास 9:15 पे है, जिसमें मैं आपका जो सीबीटी 1 हुआ है उसके फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट का सारा क्वेश्चन 15 मिनट में बता दूंगा। तो आज एक मेरी क्लास 9:15 बजे भी है, जो आज रेलवे का एग्जाम हुआ उसका एनालिसिस कर दूंगा सारे के सारे क्वेश्चन। भारत का पहला समुद्री पुलिस प्रशिक्षण संस्थान किस शहर में बनने जा रहा है बताइएगा, भारत का पहला समुद्री पुलिस प्रशिक्षण संस्थान कहां बन रहा है। पुलिस का बात आया तो जरा बताइए, आपके जीडी की वैकेंसी है ना, अब जरा बताना इनका हेडक्वार्टर कहां है, सीआरपीएफ का हेडक्वार्टर कहां पे पड़ता है, एनसीसी का हेडक्वार्टर कहां पे पड़ता है, होमगार्ड्स का हेडक्वार्टर कहां पे पड़ता है, उसके अलावा आईटीबीपी ये भी तो है, आईटीबीपी का हेडक्वार्टर कहां पे पड़ता है, बीएसएफ का हेडक्वार्टर कहां पे पड़ता है, ये सारी चीजें, उसके अलावा सीआईएसएफ का हेडक्वार्टर कहां पे पड़ता है, सीआईएसएफ का, उसके अलावा एनएसजी का हेडक्वार्टर कहां पे पड़ता है बताइए जरा, एनएसजी का हेडक्वार्टर कहां पे पड़ता है, और आरएएफ, आरएएफ का हेडक्वार्टर कहां पे पड़ता है। अब क्या पूछ रहा है समुद्र, इसका आंसर तो द्वारिका है, गुजरात द्वारिका, लेकिन इन सब का हेडक्वार्टर कहां पड़ता है, मैंने जानबूझ करके सब ऐसे लिखे हैं बेटा, जिन सब का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में पड़ता है, जिन सब का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। एक ऐसी जीडी में वैकेंसी है असम राइफल्स, असम राइफल्स का हेडक्वार्टर कहां पे पड़ता है बताइएगा, असम राइफल्स का, सर असम राइफल्स का हेडक्वार्टर पड़ता है शिलोंग, ठीक है ना। और आज के एनटीपीसी के पेपर में एक क्वेश्चन ये आया था, मैं शाम को 9:15 बजे आज बताऊंगा, शिलोंग किस पहाड़ी पर स्थित है, ये क्वेश्चन पूछा था, तो शिलोंग किस पहाड़ी पर स्थित है जरा बताना, सर शिलोंग गारो पहाड़ी पर स्थित है, गारो और खासी पहाड़ी के ऊपर स्थित है आपका शिलोंग शहर, आज ये क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा था, ठीक है ना, गारो और खासी पे। तो एनएसजी, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एनसीसी, आरएएफ, होमगार्ड्स, आईटीबीपी, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सबका सबका हेडक्वार्टर नई दिल्ली, स्क्रीनशॉट लेके रख लो, काम आएगा, गारंटी दे दे रहा हूं आपको। न्याय के अंतरराष्ट्रीय न्याय का मुख्यालय कहां है, मतलब यार जिसको आप आईसीजे कहते हो, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, क्या कोई मुझे बता सकता है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का में टोटल जजों की संख्या कितनी होती है, बहुत सोच समझ के आंसर देना, इनका कार्यकाल कितना होता है, कार्यकाल कितना होता है, टोटल जज और कार्यकाल पूछ रहा है यार, एक बार शेयर करो मेरे जितने दोस्त हो, एक बार शेयर और लाइक कर दो यार, आज आपके आशुतोष सर यहां पसीना बहा रहे हैं, तो एक बार आप शेयर और लाइक तो कर ही सकते हो ना। चलो सर टोटल जजों की, एक पहले कमेंट देखूं, वाह परफेक्ट सेशन सर, कुलदीप दत्ता हाथ और माइक जोड़ के प्रणाम भैया कि आपने कहा परफेक्ट सेशन, अच्छा टोटल जज होते हैं बेटा 15 और कार्यकाल इनका होता है बेटा 9 वर्ष, याद रखिएगा। और भारत की तरफ से नागेंद्र पाठक और आरएस सिंह, ये दो लोग बने हैं जज और अध्यक्ष, और इसका हेडक्वार्टर है द हेग में, ठीक है ना, इसका हेडक्वार्टर कहां पड़ता है, द हेग में पड़ता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, सार का मुख्यालय कहां है, फिर सार का क्यों बताओगे भैया, आपको यह भी बताना होगा, यहां पे मैं आपसे पूछूंगा रेड क्रॉस, रेड क्रॉस संस्था की स्थापना कब हुई थी, एशियन डेवलपमेंट बैंक इसकी स्थापना कब हुई थी, सार की स्थापना कब हुई थी, साथ ही साथ आप बताइएगा ओपेक की स्थापना कब हुई थी, सिर्फ ईयर कोई लिख दे, सिर्फ ईयर लिख दो कि इनका ईयर किस वर्ष स्थापना हुआ था, ओपेक, रेड क्रॉस, सार्क, उसके अलावा एक आप और लिख सकते हैं अरब लीग, बड़ा फेमस है भैया अरब लीग, ठीक है ना, अरब लीग, सर अरब लीग 1945 लेके चले जाएं, बताइए अरब लीग को 1945 में लेके चले जाइए, सर ओपेक को 1960 में लेके पहुंच जाइए, रेड क्रॉस की बात करें तो हेनरी ड्यूनेट ने इसकी स्थापना की थी 1863 में की थी, और एशियन डेवलपमेंट बैंक, यदि एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करें सर तो 1966 में किया हुआ था, ठीक है ना, 1966 में किया हुआ था। सार का हेडक्वार्टर सर काठमांडू में पड़ता है, और 1985 में सर अगर इसकी स्थापना कर दी जाए तो मजा आ जाए, 1985 में स्थापना तो मजा आ जाए।
राज्य पुलिस सेवा आयोग के अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? राज्य पुलिस सेवा आयोग, आपको मैं बताऊं, ये राज्य के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। जरा बताना, राज्यपाल का क्षमादान किस आर्टिकल में आता है? राज्यपाल का जिक्र संविधान के किस भाग में होता है? राज्यपाल किस आर्टिकल के अंतर्गत क्षमादान देता है और राज्यपाल का भाग किस भाग में आता है? ये दोनों आपको जुड़ करके बताना है। जुड़ो मेरे भाई और दबा करके एक बार शेयर करो, इसका आंसर हो जाएगा। भैया इसका आंसर होगा 161, बात एकदम क्लियर। और सर भाग 6 में आता है, और याद रखना दोस्त, हाई कोर्ट का, राज्यपाल का, एडवोकेट जनरल का, सबका जिक्र मिलता है आपके भाग 6 में। भाग 6 को बेटा हम लोग राज्यों का संविधान भी कहते हैं, याद रखना। अगर कभी आपसे पेपर में पूछ दे कि राज्यों का संविधान किसे कहते हैं, तो भाग 6 को कहते हैं। लिख लो, समझ लो, नोट कर लो, अगला क्वेश्चन ये ले लो, ठीक है। आनंद मठ के लेखक कौन है? इस क्वेश्चन से एक क्वेश्चन और खूब पूछता है कि सन्यासी विद्रोह, सन्यासी विद्रोह का जिक्र हमें पहली बार कहां मिलता है? तो यार याद तो होगा ना कि आनंद मठ में ही हमें सन्यासी विद्रोह का जिक्र मिलता है। वैसे इसका आंसर बंकिम चंद चट्टोपाध्याय है, लेकिन जीडी में 3 क्वेश्चन इससे रिलेट पूछा था और लोग गलत करके आए हैं। मैं आपके लिए एक बार यही लिख दे रहा हूं, जरा सा आप बताइएगा। जैसे एक पूछा था बेटा रंगभूमि, रंगभूमि का राइटर कौन है? रंगभूमि का एक पूछा था। उसके बाद परिमल, परिमल का राइटर कौन है? अब देख लो कितने लोग को आएगा, परिमल का राइटर कौन है, रंगभूमि का राइटर कौन है। और एक किताब और दिया हुआ था विसर्जन, अलग अलग सेट में अलग अलग बुक्स दी हुई थी। ये 4 किताबें एक साथ पूछी हुई है 2015 और 16 की। कोई बता दे, विसर्जन, रंगभूमि, परिमल, ठीक है ना, ये 3 भूमि। तो सर शुरू करूं, मैं खेल शुरू करूं। सर रंगभूमि लाया था प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद, वही गबन, गोदान, रंगभूमि, कर्मभूमि, सब इन्हीं की किताब है। सर विसर्जन, रविंद्रनाथ टैगोर, विसर्जन किसे कहते हैं? रविंद्रनाथ टैगोर की किताब को कहते हैं। इनकी अन्य फेमस किताबें चंडालिका है, गोरा है, ठीक है ना, और गीतांजलि है, विसर्जन है। सर परिमल, परिमल भैया किसने लिखा है? निराला ने। कभी कभी आपसे पेपर में पूछ देता है कि निराला हम लोग किस कवि को कहते हैं, कोई भी बतावे निराला किस कवि को कहा जाता है। लिख लो, सुन लो, समझ लो। भैया देखो लाइक वाइक एक आग बार ठोक दो यार, इतनी एनर्जी लग रही है, एक बार लाइक और एक बार शेयर, बस यही आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट है। बाकी एनर्जी की कोई कमी आने नहीं दूंगा, ये आपसे वादा है। निराला सर हम लोग सूर्यकांत त्रिपाठी जी को कहते हैं, ठीक है ना, सूर्यकांत त्रिपाठी जी को हम लोग निराला के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च पुरस्कार का नाम बताइए जो एक नागरिक को दिया जाता है। याद रखना, आज हम लोग मिलने वाले हैं रात्रि में 9:15 बजे। सर यहां पे क्या है? तो मेरे भाई यहां पे मैं शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 के सारे क्वेश्चन का एनालिसिस करने वाला हूं जो आज रेलवे में आया था, और अब मैं डेली सुबह 8 बजे आपके लिए करंट अफेयर पढ़ाना शुरू कर दिया हूं, ठीक है ना, डेली सुबह 8 बजे करंट अफेयर पढ़ाना शुरू कर दिया हूं। इसका आंसर क्या होगा? सर इस क्वेश्चन का यदि हम लोग राइट आंसर करें तो इसका आंसर हो जाएगा भारत रत्न, ठीक है ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत रत्न। इसका पाकिस्तान के हाईएस्ट अवार्ड का नाम क्या है, जरा बताइएगा। पाकिस्तान जो अपने नागरिकों को हाईएस्ट अवार्ड देता है उसका नाम क्या है, बताइएगा। पाकिस्तान जो हाईएस्ट अवार्ड देता है बेटा उसका नाम क्या है, जरा बताइएगा, ठीक है ना। तो मैं आपसे भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम 3 लोगों का नाम बताइए, प्रथम 3 जो भारत रत्न प्राप्त किए थे उनका नाम क्या था। सर पाकिस्तान वाला आप बताएंगे, मैं इस नालायक का नाम तक नहीं लिखना चाहूंगा, आपको मैं भारत रत्न जरूर बता दूंगा कि सर भारत रत्न 1954 में राजगोपालाचारी, सी वेंकट रमन और राधा कृष्णा, सर्वपल्ली राधा कृष्णा, सी वेंकट रमन और राजगोपालाचारी, ये राजगोपालाचारी है, सी वेंकट रमन है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, इन तीनों लोगों को 1954 में मिला था। जीडी के पेपर में एक बार ऐसा क्वेश्चन आया, ध्यान से समझना, कि भारत रत्न जो है वह किस
मतलब किस तरीके का होता है, याद रखना, पीपल का पत्ता, ठीक है ना, पीपल के पत्ता पे आकार का बना होता है आपका भारत रत्न, पीपल के पत्ते के आकार का बना होता है। नेक्स्ट, नेहरू पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता कौन थे, सिर्फ नेहरू पुरस्कार क्यों बताओगे, चलिए जरा बताइए, ज्ञानपीठ पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता कौन हुआ करते थे, उसके अलावा दादा साहब फाल्के, ठीक है ना, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता कौन हुआ करते थे, ये भी बताइए। भारत रत्न का भी अभी हम लोग डिस्कस किए हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार, दादा साहब फाल्के पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता कौन हुआ करते हैं, वैसे नेहरू पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता हुए हैं यू थॉन्ट के बारे में जान लो, ये पहले एशियाई हैं जो यूनाइटेड नेशन के हेड बने, पहले एशियाई जो यूनाइटेड नेशन के हेड बने। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की यदि बेटा हम लोग बात कर दें और ज्ञानपीठ की, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जी शंकर कुरूप, ठीक है ना, जी शंकर कुरूप हो जाएगा। और अगर दादा साहब फाल्के अवार्ड की बात कर दें तो देविका रानी रोरिक किस वर्ष मिला था, कोई बता देगा, देविका रानी रोरिक, ये सर 1969 में इनको अवार्ड दे दिया, इनको अवार्ड 1969 में। अगला क्वेश्चन, नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, 36 तरीके के क्वेश्चन है बेटा जो पूछता रहता है। आपको बताएं, एक पूछा था एग्जाम में, बड़ा अच्छा था, रासायनिक, ठीक है ना, रासायनिक दुर्घटना, ठीक है ना, रासायनिक दुर्घटना जो निवारण दिवस, रासायनिक दुर्घटना निवारण दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है ना, यह सब दिसंबर के आपसे पूछने जा रहा हूं, यदि कोई कमेंट में घुस करके आंसर कर दे, रासायनिक दुर्घटना निवारण दिवस। उसके अलावा विश्व अस्थमा दिवस, ठीक है ना, विश्व अस्थमा दिवस ये कब मनाया जाता है, विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है, यार एक बार शेयर कर दो मेरे दोस्त, जितने लोग हो हम लोग 1000 पहुंच जाएंगे। आपसे दिल से रिक्वेस्ट है, यदि आपको लगता है कि आपके आशुतोष सर पूरी एनर्जी के साथ लगते हैं तो यार एक बार शेयर कर देना, ठीक है ना, मैं पढ़ाने पे लगा हुआ हूं इसलिए प्लीज आप एक बार शेयर करिएगा। विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है, गोवा मुक्ति दिवस, ठीक है ना, जितने एग्जाम में यार रिलेट करके पूछता है ना वो मैं सब आपके आंख के सामने रख देता हूं, गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है। और एक और पूछता है नागरिक सुरक्षा दिवस, ठीक है ना, नागरिक सुरक्षा दिवस, जीडी के पेपर में दिसंबर के महीना से यही 4 दिवस आज तक पूछे गए हैं, जीडी के पेपर में दिसंबर के माह में यही 4 दिवस आज तक पूछे गए हैं, और आपको बारी बारी बताना है। रासायनिक दुर्घटना दिवस बेटा 4 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है ना, 4 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व अस्थमा दिवस की बात कर दें सर तो 11 दिसंबर को मनाया जाता है, 11 दिसंबर को। यदि सर नागरिक सुरक्षा दिवस की बात कर दें तो 6 दिसंबर को मनाया जाता है, 6 दिसंबर को। और सर गोवा मुक्ति दिवस की बात कर दें तो 19 दिसंबर को मनाया जाता है, पुर्तगालियों से हम लोग फ्री कराए थे, 1987 में फ्री कराए थे, ठीक है ना। चलिए तो अब ये चीजें ध्यान रखिएगा, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 4 दिसंबर, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 4 दिसंबर। नेक्स्ट, एक शुद्ध पदार्थ ही हो सकता है क्या, बताइएगा एक शुद्ध पदार्थ क्या हो सकता है, तो सर एक शुद्ध पदार्थ यौगिक भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है। आंसर कौन सा सही है, ए और बी, दोनों के दोनों सही है आंसर, ठीक है ना, दोनों के दोनों आंसर सही है, यह आप जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, जब तक आप जिए अच्छी तरह जिए, उधार लेने से भी अच्छी तरह जिए, मतलब उधार लो और घी पियो, ठीक है ना, एक बार अंतिम संस्कार करने के बाद कोई वापस नहीं आता है, यह दर्शन जीवन प्रसार के बाद अस्तित्व को खारिज करता है। आप बताइएगा, मतलब कि वो कहना चाह रहा है कि जब तक जियो उधार लेके घी पियो, कौन सा दोबारा जन्म होगा जो तुमको वापस आना पड़ेगा, बताइएगा। देखो भैया, इसमें आपसे कई क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे एक आपसे पूछ सकता है सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन का फाउंडर कौन है, वैशेषिक, ठीक है ना, वैशेषिक दर्शन का फाउंडर कौन है, वैशेषिक दर्शन का फाउंडर कौन है। एक बेटा आपसे पूछ सकता है योग दर्शन, ठीक है ना, एक आपसे पूछ सकता है योग दर्शन का फाउंडर कौन है, और इस क्वेश्चन का वैसे आंसर है चावार्क, इस क्वेश्चन का आंसर है चावार्क दर्शन। उसके अलावा एक होता है पूर्व मीमांसा, एक दर्शन है बेटा
पूर्व मीमांसा, इसके फाउंडर कौन है? ठीक है ना, चलिए बारी बारी से जरा आंसर देने की कोशिश करो। तो सर यदि हम लोग कहें पूर्व मीमांसा, तो पूर्व मीमांसा का फाउंडर कौन होगा? जैमिनी। पूर्व मीमांसा के फाउंडर जैमिनी। यदि हम लोग सांख्य दर्शन की बात करें तो सांख्य दर्शन के फाउंडर कपिल हो जाएंगे। यदि हम लोग वैशेषिक दर्शन की बात करें तो वैशेषिक दर्शन का कौन हो जाएगा? उलूक या फिर कणाद। ठीक है ना, उलूक या कणाद हो जाएंगे। यदि हम लोग योग दर्शन की बात करें तो सर पतंजलि हो जाएंगे। योग दर्शन की बात करें तो पतंजलि हो जाएंगे, याद रहेगा। बौद्ध धर्म की फाउंडर की बात करें महात्मा गौतम बुद्ध हो जाएगा। जैन धर्म की बात करें ऋषभ देव हो जाएगा, है कि नहीं? तो ये सब फाउंडर्स के नाम है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लियॉन क्या है? सर न्यूक्लियॉन क्या है? तो न्यूक्लियॉन होते हैं बेटा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नेक्स्ट, पीएच वैल्यू ऑफ न्यूट्रल सोल्यूशन इज, पीएच वैल्यू, एक बात आज आपको बता दे रहा हूं और वो आपको खास बात क्या बताना है? खास बात ये बताना है बेटा कि आज शाम को 9:15 बजे, आज शाम को 9:15 बजे मैं आपके लिए शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 के पूरे क्वेश्चंस लेके आ रहा हूं रेलवे एनटीपीसी का, तो उसमें जरूर जुड़िएगा। और हां मेरे भाई, इसका आंसर तो 7 है। मुझे आपसे एक, वैसे ये 2018 का पूछ रहा है ना, इसका आंसर